असल में राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडी किया करते थे उसमें वास्तविकता होती थी, यानी रियलिटी होती थी, कोरे चुटकुले नहीं होते थे। वो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए किरदारों का अनुभव खुद करके उन्हें अपनी कॉमेडी का हिस्सा बनाया करते थे और उनकी कॉमेडी में भारत के गरीब परिवारों का, मिडिल क्लास परिवारों का, लोअर मिडिल क्लास परिवारों का जो दर्द होता है, जो उनकी समस्याएं होती हैं, वहां से वो हास्य व्यंग निकालकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। और इसीलिए भारत के जो करोड़ों गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो उनके साथ अपने आप को जोड़कर देखते थे, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वो हमारे घर की ही बात कर रहे हैं, जैसे हमारे ही किसी रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव उन बहुत चुनिंदा कॉमेडियंस में से एक थे जिन्होंने वर्ष 2011 में ही यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिया था, यानी वो सोशल मीडिया की जो ताकत थी उसे वो बहुत पहले ही समझ गए थे और 2011 में उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने ये तय किया कि अब वो अपना जो फ्रेश कंटेंट वो बनाएंगे वो अपने चैनल पर डालेंगे। और आज जब स्टैंड अप कॉमेडी गाली गलौच और गंदे जोक्स तक सिमट कर रह गई है, आज के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं आपने देखा होगा उनमें से ज्यादातर या तो ऐसी सस्ती भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि आप शायद अपने परिवार के साथ देख भी नहीं सकते, और या फिर सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग करते हैं जो, और उसके नाम पर आपको हंसाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। लेकिन राजू ने ऐसा कभी नहीं किया। तब उस दौर में भी राजू श्रीवास्तव ऐसी कॉमेडी करते थे जिसे परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर देख पाते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे और अपने दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाते थे। आप देख सकते हैं पीछे मेरे यही वो घर है जहां से अपने जिंदगी की सफर की शुरुआत राजू श्रीवास्तव जी ने करी थी। कानपुर में किसी को कभी कोई जरूरत हुई या उन्होंने देखा कि हम किसी की मदद करने गए, राजू भाई ने तुरंत संपर्क किया और पूछा, अगर मैंने बताया, हमने बताया कि हाँ मदद करने की जरूरत है, उन्होंने अकाउंट नंबर लिया, सीधे बैंक अकाउंट में डाल दिए। देखिए ये हास्य के जीन्स थे उनके अंदर। मुंबई नगरी सबको एक्सेप्ट नहीं करती, उसने राजू भाई को किया लेकिन उसके पहले उनको बड़ा स्ट्रगल करना था। इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी हम लोग राजू जी नहीं कहते, हमेशा राजू भैया कहते हैं, तो ये उनकी उनके उनका बड़प्पन रहा, उनका प्यार रहा। उनके अंदर कभी भी जीवन में मैं एक बड़ा आर्टिस्ट उस टाइप का नहीं देखा कि मैं ये हो गया हूँ। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे जीवन में। एक हंसाने वाला व्यक्ति, हम सबको जिंदा दिल रखने वाला व्यक्ति रुला करके चला गया। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले। सब कुछ खत्म हो गया हम कलाकारों का, हम लोगों के लिए वो देवता जैसे इंसान थे, बड़ी फिक्र रखते थे कानपुर के कलाकारों की। देश के लिए जो फिल्म के बेहतरी के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की फिल्मों के लिए वो बड़ी चिंतन कर रहे थे, बड़ा बेहतर करने के लिए सोच रहे थे। कहते मैं घर में बुला के खुदता है, रजाई नहीं थी, 5,000 रुपया नहीं थे, बहुत अच्छी थी। दुख है, बहुत ही ज्यादा दुख है, जबान से दुख बयान नहीं किया जा सकता। बड़े हुए, इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल करी, मगर उन्हें घमंड जरा भी नहीं। इस घर की एक कहानी बताई गई कि मजबूरी में उनको मकान बेचना पड़ा था बहन की शादी में उनके पिताजी को, उसके बाद 10 गुना कीमत देके वही मकान खरीदा। देखते हैं कि कितना जुड़ाव इनका मूल अपनी जो भावनाओं है उनके साथ था। राजू तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया राजू तेरा फसाना। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज क्या है? दुनिया की सबसे कीमती चीज है हंसी और आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट, जिसे आप कभी भी कितना भी पैसा देकर खरीद नहीं सकते। हमारे जीवन में हमें दर्द तो मुफ्त में और बिना मांगे मिल जाता है, लेकिन जो खुशियां हैं, जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, वो आसानी से नहीं मिलती। और हमें हंसाने वाले लोग
बहुत दुर्लभ होते हैं और राजू ऐसे ही दुर्लभ लोगों में से थे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे अपने होते हैं वो हमें दुख और दर्द देकर चले जाते हैं, और राजू श्रीवास्तव जैसे लोग जो पराए हैं, जिनसे आप आज तक मिले भी नहीं, वो अचानक से हमारे जीवन में आते हैं और हमारे चेहरे पर हंसी लौट आती है, मुस्कुराहट लौट आती है, और ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये सबसे बड़े पुण्य का काम है जो राजू श्रीवास्तव इतने वर्षों तक हमारे करोड़ों लोगों तक करते रहे। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर राजू ने आपको एक बार भी हंसाया है आपके जीवन में, तो आप राजू के कर्जदार हैं, आप राजू के ऋणी हैं, और आज आपको यह ऋण राजू को चुकाना पड़ेगा। आज हम कलयुग में जी रहे हैं और आप खुद सोचिए कि कलयुग की समस्याएं क्या हैं। आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, और हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन से सुकून गायब है, वो चैन से सो नहीं पाते, और हमारी सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो यही तो हैं। हंसने के लिए भी बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है, हंसने के लिए भी आप पैसा देना पड़ता है। इस पूरी बात का सार ये है कि शांति, चैन और नींद और हंसी, खुशी जीवन में तब आती है जब व्यक्ति खुश रहता है और हंसता रहता है, और राजू श्रीवास्तव ने इस तनाव भरी, भागदौड़ भरी जिंदगी में करोड़ों लोगों को हर रोज हंसाकर ये इतने बड़े पुण्य का काम किया है। इसलिए मैं आज ये कहूंगा कि राजू श्रीवास्तव बहुत बड़े आदमी थे। शुरुआत में जैसा हमने कहा, आप बड़े आदमी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? आप सोचते हैं या तो बड़ा आदमी वो है जिसके पास बहुत पैसा है, नेटवर्थ हजारों लाखों करोड़ में होगी, वो बड़ा आदमी है, या बड़ा आदमी वो है जिसने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर जो रहा हो, यानी बड़ा नेता हो, बड़ा एक्टर जिसने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हों, या बड़ा कलाकार जिसने सुपरहिट गाने दिए हों। लेकिन राजू खुद में अपने आप में बहुत बड़े आदमी थे। अंग्रेजी की कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसी से अच्छी दवा कोई और हो नहीं सकती, और राजू मुफ्त में ये दवा आपको लगातार इतने वर्षों तक 30-32 साल तक देते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी, 15 मिनट की हंसी 2 घंटे की नींद के बराबर होती है, यानी जितनी जरूरी नींद है उतना ही जरूरी आपके लिए हंसना भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लोग ये तो जानते हैं कि उन्हें सोना कब है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हें हंसना कब है। 40 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हर रोज आधे घंटे हंसते हैं, उनका दिल 20 साल के एक युवा जितना स्वस्थ रहता है। इसके अलावा हंसी आपको तनाव से दूर रखती है, और तनाव मुक्त जीवन आपको हमेशा खुश भी रखता है और स्वस्थ भी रखता है। यानी ट्रेजेडी से भरी लाइफ में आपके लिए कॉमेडी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, और राजू श्रीवास्तव ने हंसी की इसी ताकत को समझा और फिर आपके साथ शेयर किया। हालांकि एक सच ये भी है कि उनके जीवन में सारी हंसी दूसरों के लिए थी और अपने लिए उनके पास सिर्फ दर्द था, और यह सिर्फ राजू श्रीवास्तव की बात नहीं है।